तो दोस्तों कुर्ती का कटिंग हो चुका है, अब हम इसको सिलाई करेंगे। तीन इंच 3 इंच का एक कपड़ा कट करना है और इसको आधा इंच इधर से फोल्ड करना है और आधा इंच इधर से फोल्ड करना है और फिर उसके बाद बीच से इसको ऐसे फोल्ड कर देना है। तो यहाँ मैंने ऐसे फोल्ड कर लिया है और अब इसको बनाने के लिए क्या करेंगे, इसको हम ऐसे, ठीक है। अब यहाँ मैंने इसको 6 इंच पर कट किया है क्योंकि ये ज़्यादा नीचे नहीं चाहिए, इस बच्चे को यही 6 इंच ही चाहिए, यहीं तक चाहिए, तो मैंने 6 इंच कट किया है। अगर आपको नीचे चाहिए तो आप इसको 7 इंच पे 8 इंच पे भी कट कर सकते हो। तो अब इसको कैसे बनाना है, तो देखो इसका जो चौड़ाई है फोल्ड करने के बाद 1 इंच है, तो ये रेडी 1 इंच का आएगा। तो अब क्या करना है, यहाँ से हमको 1 इंच है तो इसका आधा कर देंगे, आधा इंच इस तरफ और आधा इंच इस तरफ, ये सिलाई का मार्जिन हो गया। अब इसको यहां से ऐसे कट लगा देना है। और एक कपड़ा और कट करना है क्रॉस में, फुल क्रॉस, ये हमने कट किया है 1.5 इंच पे, 1.5 इंच का कट करके इसको ऐसे फोल्ड कर देना है, ठीक है। यहाँ हम इसको बनाएंगे, यहाँ इसको क्या करना है, ऐसे इसको एक बार ऐसे फोल्ड करना है और एक बार ऐसे डबल में फोल्ड करके इसको सिलाई करना है। ये कैसे सिलाई करना है मैं आपको अभी पूरा बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप। और अब ये जो हमने फोल्ड किया हुआ है इसको क्या करना है, ऐसे रखना है। तो ये क्रॉस कपड़ा है जो 1.5 इंच हमने कट करके इसको ऐसे फोल्ड किया हुआ है, अब इसको क्या करना है, इसको दोस्तों यहाँ उल्टा तरफ से इधर से,
अब ये इसका बैक है, यहाँ भी मैंने इसे सिलाई करके कट लगा लिया है। और अब इसको ऐसे फोल्ड कर देना है। इसको ऐसे इसके बराबर से फोल्ड करके एक फोल्ड ऐसे लगा देना है। अब यहाँ हम इसमें हम लैस लगाएंगे, तो इसको पहले फोल्ड करेंगे। तो इसको फोल्ड कैसे करना है, अब ये बॉटम राउंड है, गोल दामन है, तो इसको फोल्ड करने के लिए अगर हम डायरेक्ट फोल्ड करेंगे इसको डबल फोल्ड, तो बहुत दिक्कत होगा क्योंकि राउंड है गोल है। तो ये जहाँ से राउंड स्टार्ट हो रहा है यहाँ से हमको एक ऐसे सिलाई लगाना है, फिंगर जो है ऐसे पीछे ऐसे कर लेना है। और इस तरह से इसको सिलाई कर लेना है, ठीक है। ये देखो, आप इस धागे को खींच कर भी यहाँ पर ऐसे कर सकते हो। अब ये ऐसे जो हमने कर लिया, इसे क्या होगा, इसको जब हम फोल्ड करेंगे तो आसानी से फोल्ड हो जाएगा। अब यहाँ से इसको डबल फोल्ड करना है। अब यहाँ हम लैस लगाएंगे, तो यहाँ लैस ऐसे रखना है। अब हम स्लीव रेडी करेंगे बाजू। डेढ़ इंच है, इसको एक बार ऐसे फोल्ड कर देना है। Thank you.
ये बैक का गला है, अभी हमने इसको ऐसे पलटा नहीं है, कंधी जोड़ने के बाद इसको हम पलटेंगे। यहाँ इसको ऐसे फोल्ड कर देना है इस तरफ। और अब इसको ऐसे अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए अब यहाँ से हम एक सिलाई लगा देंगे। अब ये दोस्तों फ्रंट है और ये भी फ्रंट है, और ये जो बीच सेंटर है यहाँ जॉइंट पे ऐसे रखना है और यहाँ से मेजरमेंट करना है और इसको सिलाई कर लेना है। सेम इसी तरह से सेकेंड वाला जो स्लीव है, दूसरा बाजू, उसको भी ऐसे ही जोड़ लेंगे। यहाँ दोस्तों मैंने इसमें एक तीन छोटे छोटे बटन लगा दिए हैं और यहाँ मैंने इसमें एक दो हुक लगाया है, एक हुक यहाँ लगाया है और एक हुक यहाँ लगाया है। तो यहाँ हुक और यहाँ आई मैंने बना दिया है और यहाँ तीन छोटे छोटे डम्मी बटन लगाए हैं मैंने। तो यहाँ ऐसे हुक को लगा देना है। तो ये है इसका फाइनल लुक। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैंने आप लोगों को इस कुर्ती को कटिंग करने से लेकर पूरा स्टिचिंग करने तक का एक एक पॉइंट बताया है। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पे कर दीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।